क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थकी, कभी कभी मुझे फीवर भी रहता है और कभी भी मुझे पीरियड आ जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, अगर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हम रक्त प्रदर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, जिसे IMB भी कहा जाता है। डॉक्टर, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है ना? कुछ सिम्टम्स के इलाज किए जा सकते हैं मगर कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स के बीच में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसा कि आपने किया। डॉक्टर, इसकी कोई वजह तो होगी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। गर्भाशय की वृद्धि की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर आप कोई टैबलेट कोई दवाई ले रही हैं उसका रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी मिसकैरेज होने की वजह से भी हो सकती है। योनि में सूखापन होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और हाँ, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंसर। कैंसर होने की स्थिति में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। डॉक्टर, किस टाइम पे ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है? जैसे कि आप जानते ही होंगे, औसत जग 21 से 35 दिनों का होता है। अगर नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल पीरियड्स ही हैं। अगर डेट ऊपर नीचे हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पीरियड्स की डेट के बाहर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। डॉक्टर, मैं कभी कभी गर्भ निरोधक गोलियां भी लेती हूँ, कहीं इसकी वजह तो नहीं? ये भी एक वजह हो सकती है। सिर्फ गर्भ निरोधक गोलियां ही नहीं, अगर आप गर्भ निरोधक उपकरण या फिर पैचिस यूज करती हैं, इससे भी ब्लीडिंग होने की संभावना है। यहाँ तक कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट या फिर इंजेक्शन भी यूज करती हैं तो उससे आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की संभावना है, जिसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो डॉक्टर, इस तरह की गोलियां लेने से क्या प्रॉब्लम आती रहेंगी? देखिए, ये देखा गया है कि किसी भी तरह की गर्भ निरोधक गोलियां लेने से शुरुआत के 3 महीनों में ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है, और हाँ, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये समस्या आना स्वाभाविक है। तो कोई इससे इन्फेक्शन हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, अगर गलत ढंग से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो प्रजनन अंग में इन्फेक्शन होने की संभावना है। और इसके क्या रीजन हो सकते हैं? STD तो आपको मालूम ही होगा, या फिर इंटरकोर्स की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर पेल्विक में सूजन आने की वजह से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्या कैंसर जैसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम केस में। कुछ रेयर रीजन भी होते हैं इसके, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या फिर डायबिटीज होना। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अगर ब्लीडिंग के साथ साथ आपको दर्द भी महसूस हो रहा है, जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना, वीकनेस, बुखार, तो आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत है। तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्लीडिंग को रोका ना जा सके, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड। ओवरवेट की वजह से भी एबनॉर्मल पीरियड्स होना स्वाभाविक है, इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। थैंक्स डॉक्टर, आज बहुत कुछ जानने को मिला। वेलकम। हेलो डॉक्टर, आई एम पुनीत। हाय पुनीत, आप अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए? नहीं डॉक्टर, एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स थे जो मैं आपसे मिलकर क्लियर करना चाहता था, तो इसके लिए मैं अकेला आया हूं। डाउट्स? पूछिए, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर? क्या ये पॉसिबल है कि महिलाएं ऑर्गेज्म का नाटक करें? यू मीन फेक ऑर्गेज्म? जी हां, वही। हाँ, ये पॉसिबल है डॉक्टर। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी यही करती है, चरम तक नहीं पहुंचने पर भी वो इसका दिखावा करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वैसा क्यों कर रही है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।